वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। तो आइए देखते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कप काली उड़द की दाल, जिसे 3 घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था, साथ में ही लेंगे 1/4 कप राजमा। तो दाल को हम इस तरह से हल्के हाथ से रब करेंगे ताकि दाल के छिलके और कालापन निकल सके। तो इस तरह से रब करने के बाद दाल के छिलके और कालापन निकल चुका है, अब इसे हम धो लेंगे। दाल को हमने धो लिया, अब इसे हम एक कुकर में ऐड करेंगे, साथ में ही राजमा को भी ऐड करेंगे। 4 से 5 कप पानी ऐड करेंगे और कुकर का ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी लेंगे। 6 सीटी लेने के बाद दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, एक बार मिक्स करेंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली हुई है, गैस की फ्लेम को हम स्लो पे लेंगे और 100 ग्राम बटर ऐड करेंगे। स्लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट करेंगे ताकि बटर हमारा जल न जाए। बटर मेल्ट होने पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और 2 मिनट स्लो फ्लेम पे अदरक लहसुन पेस्ट को भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन पेस्ट का कच्चापन दूर हो सके। 2 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आधा मिनट भून लेंगे ताकि मसाला हमारा जल नहीं जाए, ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पे हमने 1.5 कप टमाटर की प्यूरी ली हुई है, टमाटर को पीस के हमने प्यूरी बना लिया था। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से लें। मिक्स करेंगे और टमाटर का पानी पूरी तरह से ड्राई होने तक हम इसे पका लेंगे। तो इस तरह से टमाटर का पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और बटर भी हमारा सरफेस पे आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे दाल, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पे हम इसे थिकनेस आने तक पका लेंगे। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट हमने थिकनेस आने तक दाल को पका लिया। एक पैन लेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने पर हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून चॉप की हुई लहसुन ऐड की। लहसुन को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसका हम दाल में तड़का देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दो टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, दाल मखनी है इसलिए बटर ज़्यादा यूज़ होता है। मिक्स करेंगे और 1 पिंच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल मखनी में। नमक चेक करेंगे, नमक पहले भी हमने ऐड किया हुआ था, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक चेक करें। अब लास्ट में हम 3/4 कप क्रीम ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हम पूरी तरह से स्लो पे रखेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट दाल को स्लो फ्लेम पे और पका लेंगे ताकि क्रीम का भी फ्लेवर हमारी दाल में आए। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी थिकनेस आ चुकी है और टेस्टी एंड डिलीशियस दाल मखनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हम इस तरह से क्रीम से डेकोरेट करेंगे। इसे आप नान पराठे या ज़ीरा राइस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।